अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन और आज एक नई वीडियो और एक नई गाड़ी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मेरे पास जो गाड़ी है वो है होंडा सिविक टर्बो 1.5 सीसी। तो आज मैं इसका रिव्यू करूँगा और जितने भी स्पेक्स और स्पेसिफिकेशन हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि 1.8 और 1.5 में जो डिफरेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। 2015 में ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी और जो टर्बो है वो 2016 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन होंडा ने 2019 में दोबारा से इसको फेस लिफ्ट करके दोबारा से इसको लॉन्च किया है और अभी ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। गाड़ी का फ्रंट आप देख सकते हैं, ये 1.5 टर्बो है और 1.8 में, और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो इसकी ग्रिल का है। इसकी ग्रिल आप देख सकते हैं, उसमें ये क्रोम की आती है और इसमें ये जितनी भी ग्रिल है वो ब्लैक कलर में आती है। तो बाकी फ्रंट से ये सेम ही है। ये तो फेस लिफ्ट से पहले का मॉडल है और इसमें जो लाइट्स आती हैं वो प्रोजेक्टर और हेलोजेंस लाइट आती हैं और यहाँ पर इसके DRLs आ जाते हैं और इंडिकेटर्स आ जाते हैं और यहाँ पर इसका फ्रंट कैम आ जाता है और होंडा का लोगो यहाँ पर आ जाता है। तो फ्रंट से ये गाड़ी कुछ इस तरह से नज़र आती है। दो इसमें फोग लाइट्स भी यहाँ पर दी गई हैं। गाड़ी का बोनट आप देख सकते हैं, इससे पहले जो दो उसमें जो बोनट था वो थोड़ा छोटा कर दिया था, लेकिन इस जनरेशन में दोबारा बोनट की जो लेंथ है उसको बड़ा कर दिया है और कुछ इस तरह से शेप नज़र आती है बोनट की। इसमें यहाँ पे ये कट्स दिए गए हैं दोनों साइड्स पे, काफ़ी एग्रेसिव लुक है गाड़ी की। गाड़ी के साइड पे आ जाते हैं, साइड प्रोफाइल में गाड़ी का आप अलार्म देख सकते हैं। टू टोन में इसका अलार्म दिया गया है, सिल्वर और ब्लैक कम्बिनेशन में। और इसमें जो टायर है वो 215/60/16 का इसमें टायर है। ये जो इसमें लाइट है ये यूँ समझ लिया DRL है जो ऑन होती है, इंडिकेटर नहीं है ये। गाड़ी की साइड आप देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल, गाड़ी के साइड मिरर है जो बॉडी कलर में दिया गया है और यहाँ पे नीचे ये ब्लैक कलर है, ये इसका इंडिकेटर यहाँ पे दिया आता है। गाड़ी में जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम के हैं। गाड़ी में जो एंट्री है वो कीलेस एंट्री है, इसकी मदद से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और एक क्रोम की ट्रिमिंग आप देख सकते हैं जो पूरी गाड़ी में ऊपर की तरफ है, नीचे की साइड पे नहीं है, ऊपर की साइड पे। और ये गाड़ी कुछ इस तरह से नज़र आती है साइड से। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगा जो 1.5 और 1.5 टर्बो में स्टैंडर्ड है। इसमें सनरूफ के बगैर का भी एक वेरिएंट आता है, इसमें सनरूफ नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में 2015 की लॉन्चिंग के बाद ये गाड़ी काफ़ी पसंद की गई है। अब गाड़ी को पीछे से देख सकते हैं, अब आ जाते हैं गाड़ी के बैक लाइट्स पे। ये इसकी बैक लाइट्स है, टेल लाइट्स सी टाइप में, काफ़ी प्यारी लगती हैं रात को जब ये ऑन होती हैं। सिविक की बैजिंग की गई है यहाँ पे, होंडा का लोगो है यहाँ पे, VTEC टर्बो की बैजिंग की गई है और कुछ इस तरह से है। हाई माउंटेड टेल ब्रेक लैंप है, ABS प्लस VSA, बम्पर्स में देख लेते हैं। बम्पर्स में से यहाँ दो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं इस तरफ और इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो डुअल एग्जॉस्ट हैं, एक इस तरफ दिया गया है और एक इस तरफ दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कुछ इस तरह से है। गाड़ी लेंथ वाइज काफ़ी लंबी गाड़ी है। ट्रंक स्पेस देख लेते हैं, ट्रंक को आप यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपन कर सकते हैं या रिमोट की मदद से, और बैक व्यू कैमरा भी दिया गया है। काफ़ी बड़ी ट्रंक स्पेस है, ये इतनी डीप नहीं है
लेकिन वैसे काफ़ी बड़ी ट्रंक स्पेस है और यहाँ पे नीचे आपका स्पेयर व्हील आ जाता है। अगेन यहाँ पे इंसुलेशन नहीं दी गई, लेकिन जो फेसलिफ्ट मॉडल है अभी जो आ रहे हैं उसमें ये इंसुलेशन दी गई है। अब कितना ये बुरा लगता है, तारे वगैरह सब कुछ निकला हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी की है जिसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज का बटन दिया गया है और ये एक और भी बटन दिया गया है जो रिमोट की क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिया गया है। तो गाड़ी में कीलेस एंट्री है तो इसकी मदद से आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। ये मोबिलाइज़र की है। तो ये है गाड़ी का फ्रंट डोर, आप देख सकते हैं सिल्वर की ट्रिमिंग की गई है यहाँ पे और सिल्वर का डोर ओपनर है, ये क्रोम नहीं है। देखिए इसके यहाँ से रंग भी थोड़ा सा उतर रहा है। बाकी इसमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक है, ये लेदर की यहाँ पे कोशिश की गई है, यहाँ पे भी थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक दिया गया है। ये साइड मिरर्स के कंट्रोल आ जाते हैं यहाँ पे, लॉकिंग के यहाँ पे कंट्रोल आ जाते हैं, ये विंडोज़ के लॉक आ जाते हैं और इसके जो फ्रंट जो दोनों विंडोज़ हैं वो दोनों ऑटो हैं और बैक वाले इलेक्ट्रॉनिक हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस आ जाती है, ये ट्रंक रिलीज का बटन यहाँ पे दिया गया है, ये स्पीकर है यहाँ पे, कुछ इस तरह से नज़र आती है गाड़ी। चलते हैं गाड़ी के अंदर। थ्री स्पोक में इसका स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, ये इसकी सीट्स आप देख सकते हैं लेदर की में, इसमें लेदर यूज़ किया गया है, लेदर की स्टिचिंग है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ से। और इसमें हाइड्रोलिक दिया गया है, आप सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं इसकी मदद से और आगे पीछे भी कर सकते हैं, और इसकी सीट जो पीछे जो कमर वाली साइड है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये गाड़ी का आप स्टीयरिंग देख सकते हैं, गाड़ी स्टीयरिंग की जो फील है वो काफ़ी अच्छी है, लेदर नहीं है, प्लास्टिक है, लेकिन इसको ड्राइव करने में काफ़ी अच्छी फील आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोम की ट्रिमिंग की गई है नीचे भी, और साइड्स पर यहाँ पे होंडा का लोगो आ जाता है, एयर बैग आ जाता है यहाँ पर और एक एयर बैग पैसेंजर साइड्स पर आ जाता है। गाड़ी का आप मीटर देख सकते हैं जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेफ्ट साइड पर गेज है वो आपकी हीट की है और जो राइट साइड पर गेज है वो पेट्रोल की गेज है। सेंटर में आपका ऊपर एनालॉग आरपीएम आ जाता है और डिजिटल इसका स्पीडोमीटर आ जाता है और कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है सेंटर में। साइड पर आ जाते हैं ये इसके एयर वेंट आ जाता है साइड का, यहाँ पे भी सिल्वर की आप ट्रिमिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है और ये कुछ ग्रे कलर में ये इसको टेक्सचर दिया गया है। ये सिल्वर की ट्रिमिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पुश स्टार्ट बटन दिया गया है इसके अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे आ जाता है और जो आपके जो बोनट ओपनर का बटन है वो वहाँ पर आ जाता है। सेंटर के एयर वेंट्स हैं वो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बड़ी अच्छी खूबसूरती से काम किया गया है, सिल्वर की ट्रिमिंग की गई है, सॉफ्ट लेदर है यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे भी एक ग्रे एक पट्टी सी दी गई है पूरे डैशबोर्ड में जो यहाँ से ऐसे आती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स का देख लें, काफ़ी बड़ी स्पेस है ग्लव बॉक्स की। इसमें जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे भी जो बटन दिया गया है वो ऑटो है और वहाँ से भी आप जो सेंट्रल लॉकिंग है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सनशेड देख लेते हैं, सनशेड में आप वैनिटी मिरर है लेकिन इसमें जो यहाँ लाइट नहीं दी गई जो ग्रैंडी में मेरे ख्याल में आती है, और कैबिन लाइट्स आ जाती हैं यहाँ पर दो, यहाँ पर भी वैनिटी मिरर दिया गया है लेकिन लाइट यहाँ पर भी मिसिंग है। इसमें सनरूफ आ जाता है, सनरूफ आप ये देख सकते हैं और इसको आप इसकी मद यहाँ से आप इसको करके ऐसे ओपन कर सकते हैं।
और इसको ऐसे आप बंद कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ग्लास होल्डर नहीं दिए गए, इसमें यहाँ पे मैनुअल डिमिंग के साथ बैक व्यू मिरर आ जाता है। यहाँ पे इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है जो एंड्रॉयड है। इसमें थोड़ा सा मसला है, ये तो कभी कभी ये हैंग हो जाता है, तो अभी तो वैसे ये ठीक चल रहा है लेकिन कभी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो नीचे आ जाते हैं, इसका क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। ये इसके कंट्रोल्स के बटन आ जाते हैं, टेम्परेचर आप इसमें ऑटो सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक क्रोम की पाइपिंग दी गई है इस तरह से। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और कुछ स्पेस यहाँ पे नीचे भी दी गई है। तो एक पावर सॉकेट दिया गया है, इसकी मदद से आप जो आपकी वायर है वो यहाँ से अंदर से आ कि यहाँ पे आपके मोबाइल चार्ज हो सकता है इजीली। यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी गई है। ये इसका गियर लीवर आप देख सकते हैं, इसमें PR&D और स्पोर्ट्स मोड है। ब्रेक होल्डर का बटन यहाँ पे आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग दी गई है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में लॉन्च की गई थी। फोन का बटन दिया गया है इकोनॉमी का। गियर की जो पोजीशन है जो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी है। सिंगल कप होल्डर दिया गया है यहाँ पे, और इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो फ्रंट के लिए अलग है और जो बैक पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है। आप सेंटर आर्म को इसको ऐसे ओपन करके तो आप इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। सीट्स आप देख लें, लेदर की इसमें स्टिचिंग की गई है। और स्टीयरिंग पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसके कंट्रोल्स आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, लाइट्स के और इंडिकेटर्स के कंट्रोल आ जाते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है गियर शिफ्टर, इसको आप मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपने इसको मैनुअल ड्राइव करना है तो ये आप गियर शिफ्टर से आप इसको ये माइनस और ये प्लस यहाँ से आप इसके गियर भी चेंज कर सकते हैं। हैजर्ड्स का बटन यहाँ पे आ जाता है। तो अब चलते हैं इसके बैक डोर की तरफ। बैक डोर में भी सेम यहाँ पे लेदर की कोशिश की गई है, क्रोम की यहाँ पे पाइपिंग दी गई है। डोर ओपनर आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे भी लेदर दिया गया है। ये विंडो का बटन आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है। और अंदर से ये गाड़ी देखें आप, एडजस्टेबल, इसमें तीन हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेदर सीट्स हैं, और जिसमें स्पेस है वो काफ़ी अच्छी स्पेस है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जो एंट्री है वो इजी है। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो हेडरूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है जिसमें दो कप होल्डर्स आ जाते हैं। गाड़ी का जो लेग रूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कहा सीट को काफ़ी आगे किया हुआ है लेकिन इसको पीछे करके भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है। और जो बैक पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो एसी के विंड्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको आप मैन्युअली ओपन या क्लोज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक स्क्रीन दी गई है, जो आगे वाली स्क्रीन है उसके साथ सिंक है। यहाँ पे आपके पास मैगजीन पॉकेट आ जाती है बैक सीट्स में, और ये कुछ इस तरह से। यहाँ पे कैबिन लाइट आ जाती है, और जो गाड़ी की फ्रंट वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। इंजन देख लेते हैं गाड़ी का, 1.5 टर्बो इंजन है, अर्थ ड्रीम की टेक्नोलॉजी के साथ वीटेक टर्बो की बैजिंग की गई है यहाँ पे। और जो इंजन रूम है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे जापानी जो गाड़ी हैं उसमें इंसुलेशन आती है, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ी हैं तो जहरी बात है कुछ ना कुछ तो उन्होंने मिसिंग करना ही होता है, और जहाँ पर भी नहीं दिया गया।
यहाँ पे उन्होंने इंसुलेशन दी है बोनट में,